देख लो इसको, डेली वो इस ट्रैप में पकड़ा जाता है और उसके बाद हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो लास्ट ही व्लॉग में मैं बोल रहा था कि आज कितना, मतलब उस दिन कितना ही ह्यूमिडिटी हो रहा था और धूप धूप कितना हो रहा था, और आज भाई बारिश हो चुका है। लाइक कंटिन्यूसली डेढ़ घंटा पूरा ज़ोर से बारिश हुआ था। यहाँ पे पूरा ड्रेन वेन पूरा पूरा पानी वानी भर चुका है। इस वाले रोड में आपको ज़्यादा दिख नहीं रहा होगा, दिखाता हूँ आपको, रुको दिखाता हूँ। वो जो डिप वाला रोड है वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा मतलब भरा हुआ है। ये रोड अभी नया बना हुआ है तो यहाँ पे ज़्यादा पानी वानी नहीं भरेगा अभी, लेकिन लाइक आपको तो दिखेगा नहीं शायद ठीक से। देख लो उस वाले रोड में, आगे वाले रोड में ज़्यादा पूरा पानी वानी पूरा भरा हुआ है। सो आज दिन ऐसा है कि मुझे मैट के लिए रजिस्टर करना है, मैट का एग्ज़ाम आ रहा है तो उसके लिए रजिस्टर करना है। उसके बाद उस वाले घर में जाके मुझे बुक्स भी लाना है, थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई कर लेंगे। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है तो ज़रूर देना अच्छा है, मार्क्स भी अच्छे आ सकते हैं तो दे देंगे, क्यों नहीं देंगे, मतलब आ जाएगा तो अच्छा ही है। एप्स जो सोर होके था ना गाइस, कल मैं एप्स का वर्कआउट किया था, उससे पहले जो किया था एक डेढ़ महीने पहले किया था, तो आज मतलब वर्कआउट करने के लिए जो फटा है फिर भी मैं कर लिया, क्योंकि नहीं करता तो वही फिर से गैप हो जाता, आदत छूट जाता, तो फिर वो फिर से डेढ़ दो महीने के बाद फिर से कभी करता तो करता, तो इसीलिए अच्छा है कि कर लिया, ख़त्म हो गया। अभी खा रहा हूँ ओट्स दूध और थोड़ा पीनट बटर के साथ, उसके बाद जाऊंगा अभी उस वाले घर में, खुशी बनाई है ब्राउन मोमो तो उसको लाना है। मैं, आकाश भाई और सागर भाई तीनों मिलके खाएंगे, हेल्दी भी है, कार्ब्स है वीट से और पनीर से प्रोटीन, तो अच्छा भी है, हेल्दी भी है, टेस्टी भी है, ऐसे टेस्टी चीज़ें और हेल्दी वो सब बहुत कम देखने के लिए मिलते हैं, तो ढूंढ के खाना पड़ता है और क्या। चलो जाता हूँ अभी, इसको फिनिश करता हूँ, उसके बाद जाऊँगा उस वाले घर में नहाने के लिए, तब आपको दिखा। इतने दिनों के बाद हाय, चलो अभी इसको लेते हैं और घर को चलते हैं। क्या क्या है इसमें, क्या क्या है इसमें, मोमोज, केक और तड़का, पनीर का तड़का। खुशी जो बनाई थी ये ब्राउन मोमो बहुत ही अच्छा है, हेल्दी भी है, जैसे बोल रहा था मैं आपको, आप लोग भी घर में बना के आराम से ट्राई कर सकते हो, इजी भी है बनाने के लिए, हेल्दी प्लस टेस्टी कॉम्बिनेशन। मेनली मैट का सिलेबस जो है वो ऐसा है कि आता है उसमें इंग्लिश, फिर रीजनिंग, फिर डेटा इंटरप्रिटेशन, फिर मैथ्स एंड जीके, ठीक है। तो मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ इंग्लिश, लाइक इतना टाइम तो है नहीं, मैं इंग्लिश से स्टार्ट कर रहा हूँ, यही
ये वाला बुक आप लोग जितने भी हमारे कैट एस्पिरेंट्स हैं उन लोगों को तो पता ही होगा। अरुण शर्मा का है, मैं ख़रीदा हुआ था जब कैट का प्रिपरेशन चल रहा था उस टाइम, तो मोर देन इनफ है ही मैट के लिए, पूरा हो जाएगा। इसका सारा है, पूरा सेट है मेरे पास, क्वांट का है, फिर डीआई का है, एलआर का है, तो ये है एलआर का है, वर्बल का है, सबका है मेरे पास, तो ये तो मोर देन इनफ है ही मैट के लिए, तो इसी से ही प्रिपरेशन करना है, फिर आगे देखते हैं। वैसे प्लान तो था कि कल से स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन आज से मैं स्टार्ट कर दूंगा, फ्रेश डे मतलब फ्रेश स्टार्ट, गुड टू गो। चलो देख लो इसको, डेली वो इस ट्रैप में पकड़ा जाता है और उसके बाद उसको ला के हम लोग बाहर छोड़ देते हैं, फिर भी वो कैसे भी करके घर में आ जाते हैं। उसका डेली का है ये, मतलब जितने बार, दो तीन बार ऐसा हो चुका है, ट्रैप में लेके उसको रोड में छोड़ते हैं, फिर भी वापस आ जाते हैं घर में। क्या मिलता है उसको भाई पता नहीं, यहाँ पे आम वाम मिलता है। देख लो यहाँ पे एक बेल, ये भी डेली आता है 3 बजे, तीन बार आता है, शाम को, सुबह और रात को डेली आता है, आम इधर खाता है फिर जाता है। भाई ये इस आम के लिए घर में पूरा मतलब जू बन के रखा है। अभी मैं बैठ के रजिस्टर कर रहा था मैट के लिए, आप लोग देख सकते हैं ये वेबसाइट है जिसमें रजिस्टर होता है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक। सो 30th मई से तो स्टार्ट हो चुका है एग्जामिनेशन और एंड होगा 13th जून को। सो मुझे लग रहा था कि 10 जून को एंड हो जाएगा, लेकिन 13 जून को होगा और उसका लास्ट डे ऑफ रजिस्ट्रेशन है 10 जून, ठीक है। तो आज तो मैं बैठकर रजिस्टर करने वाला हूँ, अनवेश को भी फ़ोन किया हुआ था, अनवेश ने भी बोला कि 4:30 या फिर 5 बजे हम मिलकर रजिस्टर कर देंगे, एक साथ स्लॉट मिल जाएगा, वो भी अच्छा है। और वैसे आज तो पढ़ाई स्टार्ट करना ही है, थोड़ा मतलब 10 दिन है तो अच्छे से पढ़ लेंगे, उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है तो निकल जाएगा अच्छा खासा, और क्या, देखते हैं कहाँ तक मतलब सक्सेसफुल होता है, देखते हैं। मैट तो मतलब बोलते हैं कि ईजी है एज़ कम्पेयर टू कैट, तो देखते हैं कैसा जाता है एग्ज़ाम। सो गाइज आज के लिए इतना ही, ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, बाय बाय, टेक केयर, पीस आउट, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।